महाराष्ट्र के नागपुर में मुहर्रम की 26 तारीख को ताजुद्दीन बाबा के स्थान पर उर्स का आयोजन किया गया। देखिए शकीर अहमद पटेल साहब खुद्दम जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। देखिए खबर SS के लिए कैमरामैन विकास के साथ मोहसिन खान की नागपुर से एक रिपोर्ट। कल सुबह यानी 26 महीने सरकार तारीख होते कि मुहर्रम दिन इस बार 15 तारीख सा सुबह 9 बजे दरबार ताजुल औलिया से दरबारी शाही सफर निकल कर पूरे शहर का गश्त करता हुआ उन रास्तों से जिन रास्तों से सरकार ताजुल औलिया बक्की में घुमा करते थे उन्हीं रास्तों से उन्हीं मकाम से सफर रवाना होता है पूरे शहर का गश्त करता हुआ शाम 6-7 बजे तकरीबन बारगाह ताजुल औलिया में वापस आता है। इस संदर्भ के अंदर में हिंदुस्तान ही नहीं तमाम मुल्कों के जहाँ जहाँ अकीदतमंदान ताजुल औलिया है वहाँ के लोग हाजिर होते हैं और उर्स में संदर्भ में कितने लोग हाजिर होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और ऐसी वजह से जो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कभी नहीं हुई ये वजह क्योंकि संदर्भ निकाला जाता है वफात के 1 साल बाद जो भी बुजुर्ग का पर्दा होता है उनका जो बरसी का दिन होता है उसी में उर्स मनाया जाता है उसमें संदर निकाला जाता है। लेकिन सरकार ताजुल औलिया वाहिद एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने जमाने हयात में संदर निकलवाया। मोहम्मद हुसैन बाबर के एक बुजुर्ग सरकार ताजुल औलिया के पास रहते जो 12 दरी भंडारा रोड पर सरकार ने भेजा था उनसे कहा मोहम्मद हुसैन हमारा संदर निकल उस जमाने में ब्याज बत्तियाँ घोड़े वगैरह के साथ संदर 12 दरी से निकला और राजा साहब के बाड़े में राजा रजनी राव गोस्ते के बारे में जिसे छोटा ताजबा कहा गया दर्शन का धर्म संदर बाबा ने हया किया है। लेकिन अल्लाह का धर्म देखिए कि आज भी 26 तारीख के मुहर्रम को ही संदर आ रहा है। अल्लाह ने उस बात को जुबान में कबूल किया कि जिस तारीख को सरकार संदर निकलवाए हया के लिए उसी तारीख को आपका पर्दा होगा और आज भी संदर उसी तारीख को निकल। अब वो रास्ता जो आप बोल रहे हैं रास्ते से वजह ये है कि आप जब बद्दी में घुमा करते थे राजा साहब के पहाड़ से जिस रास्ते से घूम के आया गया उसी रास्ते से संदर जाए ये पीर मौजे बीड़ी पेट था और सरकार ताजुल औलिया शकर धर्म में रहा करते थे। जब सरकार का पर्दा हुआ मैं स्टार्टिंग बताऊँ हजूर के वालिद मोहतरम जो है ये दक्खन से आए मिलिट्री में फौजी ऑफिसर थे। आप जब यहाँ नागपुर से 20 किलोमीटर पे कनान करके एक कामटी कनान करके एक मौजा है वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपके वालिद जो थे यहाँ फौज में थे सूबेदार थे फौज में सरकार ताजुल औलिया की यौम विलादत पैदाइश कामटी में वहीं पे आपने तालीम पाई उसके बाद फौज में भर्ती वहाँ से फिर उनका ट्रांसफ़र सागर हुआ। सागर में एक बुज़ुर्ग है जिनका मदार पीली कोठी में क्या नाम है करीम उनका